What does the following program print? ये नीचे एक प्रोग्राम लिखा है, वो क्या प्रिंट करेगा? इसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं। जब भी हम प्रिंट किसी प्रोग्राम के आउटपुट की बात करते हैं तो उसमें प्रिंट जो आउटपुट देने वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं। यहाँ पर अपने पास दो स्टेटमेंट, दो जगह प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पहला प्रिंट एफ स्टेटमेंट एक लूप में है, इसलिए उससे लूप में जितनी बार लूप रिपीट होगा उतनी बार हमें आउटपुट मिलेगा। दूसरा प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है वो लूप के बाहर नीचे है, इसलिए लूप वाले प्रिंट टाइप स्टेटमेंट के सारे आउटपुट प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद में बाहर वाला प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है वो हमें आउटपुट देगा। लूप वाले प्रिंट टाइप स्टेटमेंट में वाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उससे पहले, और एक्स की वैल्यू इनिशियली वन है और अक्स पर ही लूपिंग है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं अक्स की वैल्यू वन है, पहली बार वाई की वैल्यू वन प्रिंट होगी, बाद में अक्स की वैल्यू नीचे इंक्रीज कर दी है, अक्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी है तो नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अक्स की वैल्यू टू हो गई है, वाई की वैल्यू टू टू जब फोर हो जाती है फोर प्रिंट करेगा। इस तरह से जब तक एक्स की वैल्यू टेन होती है तब तक ये प्रिंट करेगा, मतलब इंटीजर नंबर्स के स्क्वायर हंड्रेड तक प्रिंट करेगा, उन सबको ऐड कर देगा जो भी स्क्वायर्स हैं उनको टोटल में, और बाद में फाइनली उनका टोटल क्या है वो प्रिंट कर देगा और आउटपुट हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 एंड टोटल इज 385, ये आउटपुट होगा। Write a program that uses looping to print the following table of variables. Use the tab escape sequence / t in the printf statement to separate the columns with the tabs. तो एक C program लिखना है जो यहाँ नीचे जो output जो दिख रहा है लिखा हुआ left side में एन लिखा है, बाद में कुछ टेब के बाद में टेन स्टार एन लिखा है, बाद में कुछ स्पेस के बाद में हंड्रेड स्टार एन लिखा है, बाद में थाउजेंड स्टार एन लिखा है, नीचे एन के नीचे वाले कॉलम में वन टू टेन लिखा है, टेन स्टार एन वाले कॉलम में टेन ट्वेंटी थर्टी एंड सो ऑन हंड्रेड तक लिखा है। इसी तरह से आगे वाले में फर्स्ट कॉलम का हंड्रेड से मल्टीप्लाई और नेक्स्ट में थाउजेंड से मल्टीप्लाई लिखा है, ये हमें प्रिंट करना है। और इसके लिए टैब्स काम में लेनी है, टैब जो स्केप सीक्वेंस होता है / t, और लूपिंग काम में लेनी है और प्रिंट एफ स्टेटमेंट काम में लेना है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम में इनिशियली n की वैल्यू 1 कर देते हैं, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट देते हैं जिसमें n टैब 10 स्टार n, टैब 100 स्टार n, टैब 1000 स्टार n प्रिंट कर लेते हैं। ये फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग है तो इसमें टैब के लिए टैब का स्पेस आ जाएगा, बाकी सब कुछ जैसा लिखा वैसा वैसा प्रिंट होगा। यहाँ पर तीन टैब टैब काम में लिए हैं और बाद में न्यू लाइन काम में लिया है। बाद में हम रिपीटेशन स्टेटमेंट डालेंगे जिसमें व्हाइल n लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे और प्रिंट करेंगे n की वैल्यू 10 स्टार n, 100 स्टार n और 1000 स्टार n, और n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। राइट ए प्रोग्राम दैट यूटिलाइज लूपिंग टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग टेबल ऑफ वेरिएबल्स। ये जो टेबल ऑफ वेरिएबल्स है, पिछली बार जैसे मल्टीप्लाई किया था 10 से, इस बार 2 ऐड कर रहे हैं हर कॉलम में, सेकेंड थर्ड कॉलम में 4 ऐड कर रहे हैं, फोर्थ कॉलम में 6 ऐड कर रहे हैं, ये आउटपुट में भी यही वैल्यू जाननी चाहिए। तो इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ एक को इनिशियलाइज करेंगे 3 से क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 3 है, प्रिंट करेंगे a प्लस 2 a प्लस 4 a प्लस 6, और a की वैल्यू 15 किसे कम या इसके बराबर है, 15 से कम या इसके बराबर है तब तक चलेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, अब हमें क्या करना है, 10 नंबर रीड करने हैं, उन वो 10 के 10 पूरे नंबर नॉन नेगेटिव होने चाहिए,
मतलब पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए या मिनिमम जीरो हो सकता है, और फिर ये छांटना है कि उन 10 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ये रखनी है कि जो 1 से 10 तक काउंट करेगा उस वेरिएबल का नाम काउंटर रखना है। जो प्रोग्राम को रन करते समय यूजर द्वारा इनपुट में नंबर दिया जाएगा उसको नंबर में स्टोर करना है, और जो सबसे बड़ा नंबर मिलता है उसको लार्जेस्ट में स्टोर करना है। तो इसके लिए हम पहले कुछ सुडो कोड या एल्गोरिथम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट को जीरो कर देते हैं। हमें लार्जेस्ट छांटना है तो हम मिनिमम जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट को दे देते हैं कि ये लार्जेस्ट इससे तो बड़ा ही होगा। शुरुआत में हमें कंपेयर करना है इसलिए शुरुआत में वैल्यू देना ज़रूरी है। बाद में सेट काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर की वैल्यू 1 कर देते हैं। अब काउंटर को तब तक चलाते हैं, वाहिल में डाल देते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू 10 से कम या उसके बराबर नहीं हो जाती। हम नंबर को रीड करते हैं, फिर नंबर को कंपेयर करते हैं लार्जेस्ट के साथ। यदि नंबर लार्जेस्ट से बड़ा है तो लार्जेस्ट को नंबर असाइन कर देंगे, और ये लूप पूरा होने के बाद में बाहर प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट को। इसे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट बनाएं। तो फ्लो चार्ट में लार्जेस्ट इक्वल टू 10, 0, काउंटर इक्वल टू 1, बाद में कंडीशन वाइल की काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू होती है तो नंबर को रीड करो, काउंटर में 1 ऐड करो, फिर कंडीशन चेक करो नंबर ग्रेटर देन लार्जेस्ट, यदि नंबर लार्जेस्ट से बड़ा है ट्रू है तो लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर कर दो, अन्यथा सीधा वापस लूप को कंटिन्यू करो। जो कंडीशन नो होती है लार्जेस्ट को प्रिंट कर दो, प्रोग्राम का एंड। अब इसे हम 1 by 1 देखते हैं। तो जो लार्जेस्ट इक्वल टू 0 काउंटर इक्वल टू 1 लिखा है फ्लो चार्ट में, इसके लिए सी प्रोग्राम में लिखेंगे लार्जेस्ट इक्वल टू 0 काउंटर इक्वल टू 1। काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है उसके लिए व्हाइल कंडीशन जो लगाएंगे वो है व्हाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10। रीड नंबर के लिए स्कैन ऐप में कन्वर्जन स्पेसिफाई %d और %m नंबर लिख देंगे। काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 के लिए काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 सेमीकोलन भी लिख सकते हैं या काउंटर प्लस प्लस सेमीकोलन भी लिख सकते हैं। नंबर ग्रेटर देन लार्जेस्ट इसके लिए इफ स्टेटमेंट इफ नंबर ग्रेटर देन लार्जेस्ट लिखेंगे। लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर उसके लिए लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर ही लिखेंगे। प्रिंट लार्जेस्ट के लिए प्रिंट लार्जेस्ट इक्वल टू कन्वर्जन स्पेसिफायर %d एंड लार्जेस्ट लिख देंगे, और इन सबको मिला के पूरा सी प्रोग्राम बनेगा वो ये होगा, जिसमें एडर फाइल इंक्लूड किया है, मेन फंक्शन है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं लार्जेस्ट नंबर एंड काउंटर। लार्जेस्ट को 0 कर दिया, काउंटर को 1 कर दिया, व्हाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10 उसके ब्लॉक में लिख दिया, प्रिंट एफ गिव नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर को रीड करने के लिए स्कैन एप स्टेटमेंट लिख दिया, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर दी। इसी ब्लॉक के अंदर इफ स्टेटमेंट लिखा है नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर कर दिया और ब्लॉक खत्म हो गया। उसके बाद में लार्जेस्ट की वैल्यू प्रिंट के लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दिया। इसको जब रन करते हैं तो ये प्रिंट करेगा जो यहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट में है, कुछ वैल्यूज दी और आउटपुट चेक किया तो ये लार्जेस्ट 68 को इसने आउटपुट में दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द 2 लार्जेस्ट वैल्यूज। अब हमने 10 वैल्यूज रीड की, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू को छांट लिया। अब हमें करना है उसमें जो 2 सबसे बड़ी वैल्यूज हैं उनको छांटना है। नंबर सारे अलग अलग देंगे, सेम नंबर नहीं देंगे। मतलब अब पिछली बार 1 नंबर छांटा था, अब उससे कम, सबसे बड़ा उससे कम, वो भी हमें अलग अलग छांटना है। तो हम कोई एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम सेकंड ले लेते हैं। पिछली एल्गोरिथम की तरह ही लार्जेस्ट को 0 करते हैं, काउंटर को 1 करते हैं, सेकंड को भी 0 कर देते हैं। वाहिल में काउंटर पे कंडीशन लगा देते हैं कि काउंटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। बाद में नंबर रीड करते हैं। अब नंबर पे एक कंडीशन
कि नंबर ग्रेटर लार्जेस्ट से बड़ा है तो नंबर को लार्जेस्ट की वैल्यू असाइन कर दो, और लार्जेस्ट की वैल्यू सेकंड को भी असाइन कर दो। मतलब लार्जेस्ट की जो पुरानी वैल्यू है वो सेकंड को असाइन कर दो, क्योंकि यहाँ पर तभी पहुँचेगा जब लार्जेस्ट की जो पुरानी वैल्यू है उससे बड़ा हमें कोई नंबर मिल गया है। तो लार्जेस्ट को तो चेंज करके नंबर कर रहे हैं, इसका मतलब लार्जेस्ट की पुरानी वैल्यू थी वो सेकंड की वैल्यू हो गई है। ये भी पॉसिबल है कि सारे नंबर घटते हुए क्रम में थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, तो उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट को पहली वैल्यू असाइन हो चुकी है लेकिन सेकंड को तो हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो उसको चेक करने के लिए इफ के साथ में हमें एल्स लगाना होगा, और हमें उसमें कंडीशन एल्स के साथ भी दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि जो नंबर है वो सेकंड से बड़ा हो। अब पहली कंडीशन है वो लार्जेस्ट से बड़ा हो, लार्जेस्ट से बड़ा होगा तो इस एल्स में नहीं आएगा, लेकिन यदि वो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है तो यहाँ एल्स में आएगा, जिसमें हमने फिर से कंडीशन लगा दी कि नंबर सेकंड से बड़ा हो। तो यहाँ पर ये जो बचे हुए नंबर्स हैं उनके लिए ही चेक करेगा, और उसके बाद हम प्रिंट और सेकंड को हम प्रिंट कर देंगे। ये दो स्टेटमेंट हमने एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो उनके लिए हम जो फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें ये एक्स्ट्रा डाल देंगे। जैसे यहाँ सेकंड इक्वल टू लार्जेस्ट डाल दिया, और उसके फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन और सेकंड इक्वल टू नंबर कर दिया। ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा अलग है दिखने में, उसका कारण ये है स्क्रीन छोटी होने के कारण इसको कई भागों में बनाया गया। तो स्टार्ट बाद में लार्जेस्ट इक्वल टू जीरो, सेकंड इक्वल टू जीरो, काउंटर इक्वल्स टू वन, ये लिख दिया। बाद में कंडीशन लगा दी काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, यदि ट्रू है तो नंबर रीड करना है, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करनी है और बाद में ए पर चले जाना है। यदि ये फॉल्स होती है तो लार्जेस्ट और सेकंड को प्रिंट करना और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अब ए पर क्या है वो देखते हैं। तो ए पर हमने लिखा है कि एक इफ स्टेटमेंट के लिए कंडीशन लिखी है, नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, ट्रू होती है तो सेकंड इक्वल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर, और बी पर चला जाना है। फॉल्स है तो नंबर को सेकंड से कंपेयर करना है, वो ट्रू है तो सेकंड इक्वल टू नंबर, और वो गलत होता है तो बी पर चला जाना है। सही होता है तो सेकंड इक्वल टू नंबर करके बी पॉइंट पर जाना है, गलत होता है तो सीधा बी पर चला जाना है। और बी क्या है, तो बी जो व्हाइल स्टार्ट किया था उसके साथ रिपीटेशन को डिनोट कर रहा है। कोरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम लिखे हैं, तो और तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है उसके लिए ये इफ स्टेटमेंट आ जाएगा, और पूरा प्रोग्राम इस तरह से हो जाएगा, जिसमें एक सेकंड नाम से वेरिएबल एक्स्ट्रा डिक्लेयर किया है, सेकंड की वैल्यू जीरो कर दी है, और इफ स्टेटमेंट में सेकंड इक्वल टू लार्जेस्ट लिख दिया है, एल्स इफ लगा दिया है जिसमें सेकंड इक्वल टू नंबर कर दिया है, और लास्ट में सेकंड को प्रिंट कर दिया है। इसको रन करने पर पिछली बार की तरह कुछ नंबर्स दिए, तो इसने लार्जेस्ट की वैल्यू प्रिंट कर दी और सेकंड लार्जेस्ट की भी प्रिंट कर दी।